नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कृति कला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सा ये बैग बना करके आपको दिखाएंगे। इसमें हमने सिंपल जो बचा हुआ कपड़ा होता है, जैसे सूट में से बच जाता है, वही यूज किया हुआ है और नेट वाला फैब्रिक है जिसके ऊपर यहाँ पे वर्क हो रखा है, चिकन वर्क, बहुत ही प्यारा सा। और इसमें हमने हैंडल भी स्टाइलिश लगाए हुए हैं सिंपल कपड़े के बनाते हुए, और अंदर बाहर यहाँ पे हमारा पूरा स्पेस आएगा इस तरीके से, और अंदर की भी पूरी यहाँ पे फिनिशिंग है। और आप देख सकते हो दोनों साइड हमने कैसे और सिंगल कट वाला यहाँ पे ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और कैसे इस बैग की स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों जो आपने बैग देखा है उसे बनाने के लिए हमने कोई भी कपड़ा ले लेना है। मेरे पास है यहाँ पे नेट वाला फैब्रिक, आप देख रहे हो कितना प्यारा सा ये फैब्रिक है। तो इस तरीके के वर्क वाले जो कपड़े होते हैं, जैसे हम सूट वगैरह सिलवाते हैं उनमें से बच जाते हैं तो हम फेंक देते हैं, लेकिन आपने फेंकना नहीं है। आज मैं इसका आपको यूज करके बताऊंगा। बहुत ही सुंदर सा आपने जो बैग देखा है ये हम तैयार करके यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक तो हमने यहाँ पे नेट वाला पीस लिया हुआ है ऊपर के लिए, एक हमने नेट के लिए हमें कोई ना कोई कपड़ा लगाना होगा तो हमने मैचिंग करते हुए यहाँ पे चेक वाला फैब्रिक लिया हुआ है, ये वाला बहुत ही प्यारा सा ये भी फैब्रिक होगा, ये भी बचा हुआ फैब्रिक है। एक हमने रबड़ सीट ली हुई है, ये रबड़ सीट होगी, और एक नीचे के लिए यहाँ पे अस्तर होगा। अस्तर आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लिया है। और इनमें क्या होगा, हम चारों साइड यहाँ पे सील लेंगे और एक एक सिलाई यहाँ पे बीच में लगा लेंगे, तो जिससे कि ये पूरा फिक्स यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम कटिंग करेंगे चारों साइड की कैसे करते हैं और कितना साइज हमें यहाँ पे चाहिए, एक एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और एक ये हमने हैंडल के लिए लिया हुआ है, यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई होगी पट्टी की ये तकरीबन हमारी 4 इंच की, 4.5 इंच की होनी चाहिए, 3.5 से 4.5 तक का हैंडल बन जाता है चौड़ाई में। मैंने थोड़ी ज्यादा ली है क्योंकि इसकी मोटाई हम थोड़ी ज्यादा कर देंगे, तो यहाँ पे ये है। और सिंगल कट और सिंगल फ्लैप वाला यहाँ पे ये हम बना करके आपको दिखाने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले मैं चारों साइड सिलाई लगा लेता हूं और बीच में सिलाई लगा लेता हूं, एक तरीके से इसमें कुल्टिंग वर्क कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरे पीस पे यहाँ पे कुल्टिंग कर ली है, और इसको मैं ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसका साइज बता देता हूँ, अब हमने क्या रखना है। देखिए इस तरीके से देखेंगे हम, 28 इंच आएगी ऐसे लेंथ, और इस तरीके से चौड़ाई की बात करें तो ये हमारी 17 आएगी। तो 17x28 का हमारा यहाँ पे ये पीस तैयार हो जाता है कुल्टिंग वर्क होने के बाद। नीचे की साइड हमने यहाँ पे ये अस्तर लगाया हुआ है, बीच में फोम सीट दी हुई है, और इस तरीके से ये पीस तैयार कर लिया है। और दो बनाए हुए हैं हमने यहाँ पे हैंडल, यहाँ पे ये हैंडल बिल्कुल सिंपल एक पट्टी तैयार करनी है, फिर 3 इंच छोड़ने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से 3-3 इंच छोड़ देते हैं और इसको ओपन रख देंगे, और यहाँ पे जब हम अटैच करेंगे तो इस एरिया को अटैच करेंगे तो ये बहुत ही प्यारे से हमारे यहाँ पे हैंडल बन के तैयार हो जाते हैं। ये हमने हैंडल तैयार किए हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से, मतलब यहाँ पे नोक बनाते हुए, सिंपल वाले नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं इस तरीके के हैंडल अगर हम यहाँ पे तैयार करते हैं। तो दोस्तों अब पीस हमारा तैयार हो चुका है, अब इसकी हम करते हैं कटिंग। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे डबल कर लेंगे, ऐसे डबल कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। और डबल करने के बाद अब हमें यहाँ पे इस साइड से ये कटिंग करना है 2.5 इंच, और यहाँ पे भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पे इन निशानों को पहले मिला लेंगे ऐसे, ये हमने मिला लिया है। और सबसे पहले इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देंगे, नीचे वाला पीस नहीं कटिंग करना है, सिर्फ हमें ऊपर वाला एक साइड का पल्ला कटिंग करना है। यहाँ पे हमने ये कटिंग कर दिया है, अब हमें नीचे की साइड यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करनी है, जो ऐसे लेंगे हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे, और इस तरीके से हम लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि इधर मार्जिन रहेगा तो ये हमें ध्यान रखना होता है। 2 इंच और 2.5 इंच हमने यहाँ पे ले लिया है, इसको हम यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, सेम ऐसे ही इधर निशान लगा लेंगे, दोनों साइड निशान लग चुके हैं, और यहाँ पे हम कर लेंगे कटिंग।
ये देखिए हमने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है। अब हमने नीचे जो ये 2 इंच की एक साइड की पट्टी कटिंग की है, दूसरी साइड की हमें पट्टी कटिंग तब करनी है, यहाँ पे पहले हमें फ्लैप का छोड़ देना है जो हमारा इस साइड में आएगा। फ्लैप आप कम ज्यादा कितना भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पहले सेंटर पॉइंट बना लेंगे, 8.5 इंच सेंटर पॉइंट आएगा, और फ्लैप जितना भी आपकी इच्छा हो, जैसे हम 5 इंच का यहाँ पे रखेंगे तो हम इस तरीके से 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर निशान लगाएंगे ऐसे, और इन निशानों को यहाँ पे सीधा इस तरीके से कर लेंगे। अब हमें कटिंग करनी है यहां से यहां तक, यहाँ पे मार्जिन छोड़ देंगे एक पैर हल्का सा, क्योंकि छोटा ना हो जाए फिर फ्लैप 5 इंच का हमें तैयार चाहिए होता है। इसी तरीके से दूसरी साइड में तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे फ्लैप आ जाएगा कुछ इस तरीके से। पूरा पीस मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये हमारा ऐसे आएगा, और दोनों साइड में यहाँ पे हैंडल आएंगे एक यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है दोस्तों। और दूसरा हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा इस तरीके से, यहाँ पे ये दोनों हैंडल आ जाएंगे। अब हमें इसे तैयार करने के लिए नीचे के लिए एक अस्तर और लेना होगा, तो मैं यहाँ पे एक अस्तर और ले लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों हमने नीचे यहाँ पे ये अस्तर कटिंग कर लिया है, जो हमने नेट के नीचे लगाया है वही हमने नीचे यहाँ पे अटैच करना है। तो ये हमें अटैच कैसे करना होगा, यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और जो सिलाई लगाएंगे इस साइड में बिल्कुल सीधी सिलाई लग जाएगी, और इस साइड में यहाँ से यहाँ तक सिलाई, यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे इस तरीके से सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो मशीन के ऊपर चलते हैं, क्योंकि अब छोटा मोटा जो काम है मैं मशीन पे दिखाऊंगा आपको पूरा कैसे तैयार करते हैं इसको। तो यहाँ पे दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे, सिलाई की जो चौड़ाई है हम 1/2 इंच रखेंगे। तो ये देखिए हमने इस साइड में भी यहाँ पे सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड भी। तो ये जो फ्लैप है हमें तैयार करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर पे जो कोने बनते हैं यहाँ पे इनमें कट लगाने होंगे, तभी हमारा ये पीस पलटा जाएगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन काट लेंगे दोनों साइड का इस तरीके से। अब हमें इसे पलटना है, तो पलटने के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से बीच से इसको पलट लेंगे ऐसे, एक साइड में हमारा यहाँ पे अस्तर आ जाएगा और दूसरी साइड में हमारा यहाँ पे ये पीस आ जाएगा। और यहां से ये फ्लैप निकाल लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे इसको पलट लिया है और यहाँ पे अच्छे से कोने निकाल लिए हैं। तो अब हमें यहाँ पे चारों साइड में सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस साइड में भी सिलाई लगाएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों हमने चारों साइड यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें लगाने हैं यहाँ पे हैंडल। तो हैंडल हम यहाँ पे ये जो हमारे हैंडल हैं दो हमने बनाए हुए हैं इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसे ही रहने चाहिए यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाते हैं सिलाई। ये हमें फ्लैप के बराबर में लगाना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे पक्का करते हुए ये देखिए यहाँ पे एक साइड हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे, बराबर गैप रहेगा ये ध्यान रखना है। और दूसरी साइड भी जितना हमने यहाँ पे गैप लिया है इतना ही गैप दूसरी साइड रखते हुए यहाँ पे भी अटैच कर लेंगे। तो ये हैंडल कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कैसे साइड जोड़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे भी हैंडल अटैच कर लिया है, और इस साइड में बराबर गैप रखते हुए इधर भी हमने हैंडल यहाँ पे लगा लिया है। हैंडल लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक काम करना है। देखिए जो जितना यहाँ पे हमारा गैप है उतना ही गैप यहाँ पे लेना है और ऐसे फोल्ड लगा लेना है इस तरीके से। आप चाहे तो इधर से ऐसे फोल्ड लगा ले ऐसे, और यहाँ पे इसको अच्छे से फोल्ड लगाते हुए सेट करें। ऐसे सेट करने के बाद हम यहाँ पे एक किनारी की सिलाई लगानी है यहाँ पे इस तरीके से। हम ये सिलाई लगाएंगे किनारी की, ये देखिए हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। अब जैसे मैंने एक कॉर्नर पे यहाँ पे ये सिलाई लगाई है, बाकी के जो ये वाले कॉर्नर हैं इन पे भी हमें सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है, एक दो और तीन और चार। तो टोटल चारों पे हमारी इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लव की सिलाई लगाई है किनारी की, ऐसे ही हमें तीनों कोनों पे भी यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। चारों कॉर्नर पे हमने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद कुछ ये इस तरीके से आ जाएंगे। अब हमें इसको ऐसे सेंटर पॉइंट बना लेना है यहाँ पे, और ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इनको जोड़ेंगे साइड से। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई से जोड़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा मोटा हो जाएगा क्योंकि हमने रबड़ सीट लगाई हुई है, लेकिन रबड़ सीट सॉफ्ट होती है तो मशीन आसानी से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से इस साइड से भी जोड़ लेते हैं, ये दूसरी साइड है। यहाँ पे बिल्कुल बराबर रहना चाहिए ये ध्यान रखिए। तो हम ऊपर से यहाँ पे जोड़ लेंगे, ऊपर से फिर दिक्कत नहीं आएगी। दोनों साइड में हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब जब हमारी यहाँ पे सिलाई लग जाएगी तो ये हमारी कच्ची लव है, मतलब धागे निकलेंगे, तो इसमें हमें एक पट्टी लगानी है और ये पूरी फिक्स कर देनी है जिससे कि धागे ना निकले। तो यहाँ पे मैं पट्टी लगा देता हूँ और दूसरी साइड भी यहाँ पे पट्टी लगा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमने दोनों साइड में यहाँ पे ये फिनिशिंग दे दी है, और अब हमारे यहाँ पे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब रह जाता है हमारा लास्ट यहाँ पे इस तरीके से ये पॉइंट ज्वाइंट करना। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको इस तरीके से मिलाएंगे सेंटर पॉइंट में, और यहाँ पे आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगानी होती है। और यहाँ पे बहुत मोटा हो जाएगा क्योंकि ये रबड़ सीट मोटी होती जा रही है, तो लास्ट सिलाई है लेकिन ये हमारी लग जाएगी।
तो ये देखिए हमने इस साइड से जोड़ लिया है यहाँ पे ऐसे, दूसरी साइड से भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो दोस्तों नीचे का बेस हमने दोनों साइड से यहाँ पे जोड़ लिया है, लेकिन यहाँ पे भी अभी धागे निकलेंगे, तो यहाँ पे भी हमें सेम इसी तरीके से ये फिनिशिंग देनी है जैसे हमने यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे भी फिनिशिंग दे लेंगे दोनों साइड में। तो ये देखिए दोस्तों दोनों साइड हमने यहाँ पे पट्टी लगा दी है और पूरी फिनिशिंग यहाँ पे आ जाएगी, कोई कहीं पे भी धागा वगैरह नहीं निकलेगा, सभी जगह पे हमने पक्का काम किया है। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे, तो ये थोड़ा हार्ड है तो सीधा होने में भी थोड़ा हार्ड ही रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों हमने बैक कर लिया है यहाँ पे सीधा, और सीधा करने के बाद अब हमारा यहाँ पे जब बैग तैयार हो जाएगा सिर्फ हमें एक यहाँ पे टेप लगानी है। तो इस तरीके की टेप आती है मार्केट में मिल जाती है, ये एक पीस में इधर लगा दूंगा और एक फ्लैप पे लगा दूंगा। तो ये भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे ये रेडी कर दिया है और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये बैग रेडी होकर के देखने में लग रहा है, और इसमें दोनों साइड में पूरी प्रॉपर फिनिशिंग आएगी, और नीचे का बेस भी इसका बहुत ही प्यारा बनता है। यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे कितना प्यारा सा ये बेस बन रहा है, और इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी पूरी कटिंग की है और स्टिचिंग करके आपको दिखाई है एक एक पॉइंट कैसे सिला जाता है, और बहुत आसान तरीके से हमने ये सिंगल कट वाला आपको पर्स या बैग बना करके दिखाया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।